इसमें डर थोड़ी, तो खुशी की बात होती है। ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी खाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। कहते हैं कि खेलने के लिए बॉडी तंदुरुस्त होनी चाहिए, तो ये लोग सब दिमाग से खेले, लेकिन मैं शरीर से खेलूंगी। तो मैंने अभी आते आते एक समोसा खा लिया है। मैं नहीं चाहती मैं कहीं भी मैं अपनी टीम को ऐसे वीकनेस फील करवाऊँ, तो इन्होंने किसी ने दिखाया, लेकिन मैंने आते ही दो दिन समोसे ठूस लिए हैं। खुश हैं आप? आपको मोटी भांति चाहिए कि पतली? मुझे कैसी भी चलेगी, चलिए ठीक है। कि हाथ मांगने आए हाथ ही सिर्फ पूरा हाथी बाकी। चलिए सर आपसे मैं मिलती हूँ बाद में। झूठ, मैंने तो देखा ही नहीं किसी को। सबको टेंशन है क्योंकि अभी हमारा खाना नहीं बच गया। तो सारे कोई ऐसे बैठे, एक्साइटेड तो कोई भी नहीं। एक दो ने किया, बाकी तो वार्म वेलकम। आप यही चाहते थे मेरे बाल खाल खराब करवाना? Well, what can I say? I'm really, really happy. हम बहुत खुश हैं कि भारती हमारी टीम में आई है। I think you know, more power to women. हमारे टीम की लड़कियां वैसे ही I think one of the strongest हैं, mentally भी और physically भी. So we're really glad that she's going to be there. And I think भारती के आने से there's a lot of positivity in the team, क्योंकि वो खुद इतनी positive person है. She spreads that you know positive energy around, happiness around. So I think हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, gonna have a lot of fun with her around. Guys, एक मिनट सामने बहुत, we had to shout doubly for Rohanika. हमने Rohanika के लिए जोर से चिल्लाया नहीं. Yeah! बाकी हमने स्क्रिप्ट लिख के नहीं दिया बच्चे को। अरे सर मेरे पीछे बैठे थे, मैंने क्या ऐसा करके सब कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम में ज्वाइन करने वाले जी, लेकिन आपने इनके टीम को ज्वाइन किया, तो फेवरेट प्लेयर कौन है आपका इंडियन क्रिकेट टीम का इस समय? इस वक्त जो है जो पहले थे वो तो सबको पता है, और आपके भी होंगे। हाँ जी, हाँ ठीक है, आप कुछ बोलिए। सचिन जी, और इस वक्त नहीं बता मुझे कौन कौन है प्लेयर। विराट कोहली, युवराज सिंह, हैंडसम ने तो युवराज और कोहली साहब। लेकिन कोहली साहब तो कहीं और हैं, अभी लगे हुए हैं। तो देखिए कोहली कटोरी को क्या मिलती है हमें। आप उदास हैं मैं इस टीम में आई हूँ? पक्का? हाँ, क्योंकि मुझे इतना तो आता नहीं क्रिकेट खेलना, लेकिन मैं इनको मेंटली बहुत फ्रेश करूंगी। जब भी ये खेल के आएंगे तो मैं हंसाऊंगी, और मुझे हेड मसाज भी आता है। तो हेड मसाज 500 रुपये मैं आधा घंटा करती हूँ, तो आप भी कभी आइएगा। अरे भाई मैं और भी है लोग हैं जिनमें से इतने सारे हैंडसम आपके पीछे हैं, किसी का हेड मसाज करना चाहेंगे आप? तो हम 250 रुपए में करते करते बोला हमारा कॉम्पिटिशन हमारी टीम के अंदर ही है। हम लोग, हमने एक चीज पिछले बार बोली थी कि कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज अ फैमिली। आप कभी भी, मैं प्रैक्टिस के टाइम पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी देखो, वी एंजॉय बीइंग दिस टीम, राइट? जब हम खेलते हैं, चाहे किसी का अच्छा दिन हो या ना हो, वी सपोर्ट देम, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ, दैट्स व्हाई नाउ दैट ही इज कम हियर, ही विल रियली हैव अ न्यू एक्सपीरियंस। यार हम लोग
किसी को ये नहीं मानते ये हमारे कॉम्पिटिशन है ये राइवल्स है कुछ नहीं. वी आर हैविंग फन, वी आर गोना वर्क रियली हार्ड, वी गोना प्ले. And that's about it. That's the real strategy of our team. In fact, I think Raghu Atta Marna Shuru Kar Raha Hai. Tell us a little bit about it. ये चौके छक्के बच्चे होते हैं सबसे. और हमने बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी की, छक्का तो अच्छा नहीं. हम लोग प्रैक्टिस के बारे में सीरियस हैं, मगर प्रैक्टिस के दौरान इतना सीरियस नहीं होंगे. ऑब्वियसली द टीम दैट लाफ्स टुगेदर विल यू नो स्टे टुगेदर एंड विन टुगेदर. They try to poach our team, बहुत सारे billion dollars का ऐसे आया है, मेरा नहीं. He Karan is actually he's actually got a work commitment. He's one of his episodes. हम मिले हैं. That's the beauty in the team. आप एक दूसरे की टांग खींच सकते हो और उसको मैं टाइम ही 5:15 कर दिया. अगर है तो मुझे दे दीजिए. नहीं नहीं है. In fact, also the winning team will go to Taiwan from. Really? Achchi. You guys better win. Last year, how many matches will you play about? Approximately, this time round and round. There are 5 teams in each pool, and 4 matches minimum per team will be played. And 6 matches, totality of 6 matches. All 12 hafte ke liye chalega ye kaam. Lekin bada seriously kaam karna padega. Main seriously kaam kar hi raha hu. Acha वैसे आप ये कहते हैं अलावा कितना ड्रामा, कितनी कंट्रोवर्सीज होने वाली है फील्ड पर. वो करण पटेल आ रहे हैं. अच्छा रघु, रघु आपसे जानना चाहेंगे कि आप खेल खेलने के दौरान जब आपके प्रैक्टिस मैच होते हैं तो कितनी गालियां आपके दोस्तों वालों को सुनने में आपको जाने से पहले मुझे जोर से आप लोग मेरी उतार दीजिए, धो दीजिए. तो एक्चुअली रोडीज का जो उनका वो है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ उससे. तो मैं अपने आपको डांट और गाली वाली देके अपने आपको इनके कमरे से बहुत खुशी खुशी आता. But just to answer your question, ना अगर आप इनको और करीब से जानेंगे ना आप, like I can tell you for a fact that they are one of the nicest, sweetest people and funny. Ever. Really funny to obviously, yeah, but I think genuine sweet. People, they stand for righteousness, they stand for women rights and women empowerment. That is fantastic. आप हर मैच में रघु राजू जरूर पहुंचेंगे. तू जो बोला उसे नहीं लगेगा वैसे. लेकिन रघु जो आपकी जो कंपटीटर्स हैं उनको डर है कि हम कुछ भी चीज झेल लेंगे, लेकिन रघु की हमसे गालियां नहीं ली. जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है यार. अगर ये हमारा एडवांटेज है जरूर यूज करेंगे यार. अगर वो मेरे से मेरी गालियों से डरते हैं, इतने फटू हैं, तो हम गालियां सब टीम में नहीं देती, लेकिन लाइक ऑस्ट्रेलिया अलग वाले देते हैं, हमारी लड़ाई में देते हैं, हमारे इंडियन कम देते हैं, श्रीलंका कम होती है ना, तो वो देना जरूरी है कम. मैं तो राधा बट बैटिंग लिखता हूँ, मेरी प्रैक्टिस ये होती है, ये लोग बैटिंग बॉलिंग कर रहे हो तो मैं लिख रहा होता हूँ कि किसको क्या गाली देती. नहीं मैं नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि आप सीधा उधर ही देखिएगा 12 फरवरी को. मेरे क्यों पीछे पड़ गया, अभी बाहर तो बताया मैंने. आ रही है फिल्म, मतलब बहुत छोटा रोल है कि आपका पॉपकॉर्न नीचे गिरेगा, वो उठाएंगे तब तक मेरा खत्म हो जाएगा. वो मैंने फिल्म इसलिए की है क्योंकि जो दिव्या जी हैं, दिव्या कुमार, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. तो उन्होंने कहा कि वो रोल के लिए मुझे तू ही चाहिए.
तो मैं बहुत मुश्किल, अनिता को भी पता है जब हमारा शूट चल रहा था कॉमेडी नाइट बचाओ का, तो मैं 10 दिन मैंने कैसे निकाल के मैं कनाडा गई थी और फिर वाया अमेरिका, पूरा वर्ल्ड घूम के अमेरिका गई थी, बहुत बुरा लगा। कनाडा अमेरिका से बढ़कर मुझे मेरा शो है, कैसे मैं वापस आई थी। और फिर मैंने जैसे मैं लैंड हुई, मैंने जाके मेकअप किया, तैयार हुई और शूट किया, क्योंकि इतना जेट लैग था, पर फिर भी मैंने किया और उसका बहुत पैसा मिलता है। अरे भाई सिंदूर लाओ, भाई सिंदूर। कैनेडा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी मौका आप चैनल, अपने चैनल वाले को दो, हमारे साथ चले, हमारा पूरी टीम को लेके जाएं। कौन सा चैनल है भाई आपका? Priority Bags, and we have the owner of Priority Bags with us today, Mr. Tushar Jain. So, wo apni taraf se, he like to give a token of appreciation to all our team members. Please congratulate them. Thank you. Very good decision, sir. Best. चलो आलोक सब आगे जाओ ना, गंदी जाएगा दोबारा ये बैग मिलके कल ही लद्दाख निकलना पड़ेगा। राजीव के लिए तो बेस्ट चीज है ये, प्यारे नेम से आप सर रोहित आसपास जो बच्चे हैं उनके साथ मैं क्रिकेट खेलने लगा, क्योंकि ये बच्चे ही हैं हमारे सामने बात करते हैं, तो बच्चे के साथ खेलने की प्रैक्टिस हम करते हैं। कॉन्फिडेंस का राज ये है कि मेरे को पता है सामने वाले कितने भोलू हैं। मेरे को ये अपनी अपनी टैलेंट पे मेरे को भरोसा उतना नहीं है जितना उनकी बेवकूफ़ी पे। नहीं नहीं, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ उनकी बेवकूफ़ी को लेके कि उनके बस की नहीं है। अब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, देखिए अभी तक कॉन्फिडेंट थे, अब ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। बोल सकते हैं उनको, बोला हमारे YouTube वीडियो देख देख के सीखो बच्चों, सीखो। वो था मोहम्मद अली की, मोहम्मद भाई की एक और वो है कि व्हेन ही वाज, जब उनसे बात करते ना जॉर्ज फोरमैन से, तो जब रेफरी साइड में रूल्स बता रहा होता तो वो कहता है कि साइड में बोले जा रहा है, तू जब से बच्चा था ना तब से हमारे बारे में सुनता आया, तू हमें देखता हुआ आया है, और कई बार सोचा कि इसके सामने जाऊं नहीं जाऊं, और हर बार गीली हो गई और बैठ गया, तू आया नहीं कभी सामने, ठीक है अब तू सामने आ जा, अब कहां भागेगा। ये क्यों आप जो नौकरी कर रहे हैं फ्री में, मैं बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आप जो कमर्शियल नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों को शिक्षा देने के लिए, आप जो सफाई कराने के लिए, ये सवाल जो पूछ रहे हैं,
ये सीख सबको मिलनी चाहिए आपको। नहीं, ये एनजीओ ही है, ये एनजीओ ही है, दिस इज एनजीओ। आपको कितने बोलर चलते हैं हमारे पास, हमसे दोस्ती। ये लोग मुझे पैसे देते हैं टीम चलाने के लिए, ये एनजीओ है, दिस इज बेसिकली बहुत ही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। ये हमारी हमारी जो जेबें हैं उनको गर्म करने की चैरिटी है। और क्या मैच को लेके करते नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने कॉन्फिडेंट है अपने क्राफ्ट को लेकर, इतने ओवर कॉन्फिडेंट है उनकी 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 बेवकूफी को लेकर कि और कुछ करने का मन कर क्या दिया जो आपको नजर। अबे हमारे से टक्कर लेने आ गए, इससे बड़ी बेवकूफी है कोई? अकल होती तो आते क्या? हाँ, हर 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 गेम में विनर्स और लूजर्स की जरूरत होती है। आप किसे टक्कर लेना चाहेंगे कि हाँ ये टीम है जो हमारे सामने खड़ी हो सकती है? वो तो देखना पड़ेगा अब कौन कौन कितने बेवकूफ है। शिव जानना चाहेंगे कोई एक मैच आपको याद आता है जो आपको हमेशा आइडल मैच रहा होगा, आपको वो एक्साइट करता है जब भी आप देखते हो उसे यूट्यूब पे या जब भी आप देखते हो? यार मैं मुझे तो इंडिया के सारे मैचेस पसंद हैं, और इंडिया पाकिस्तान तो वैसे भी वो मैचेस होते हैं तो सबको एक्साइट करते हैं, और वैसे भी बहुत ही मैं एक्साइटेबल किस्म का आदमी हूँ, तो इंडिया खेलते इंडिया ऑस्ट्रेलिया टी ट्वेंटी मजा आ गया, मजा आ गया। लास्ट मैच इंडियन लास्ट ओवर का लास्ट बॉल क्या था? इंडियन टीम से अगर कोई प्लेयर लेना चाहे अपनी टीम में जस्ट फॉर मार गेम पर लेना चाहिए अभी तेंदुलकर मेरे ख्याल फ्री बैठा आजकल। मजा कर रहे सर, देखा नहीं क्या संडे मजा आ गया बस। थैंक यू आपको भी। थैंक यू जी, यही यही छपा देना।